शर्मा का पहला हड़ौती दौरा मुख्यमंत्री बनने के बाद आज पहली बार कोटा का दौरा करेंगे। इटावा के नोनेरा बांध का निर्माण कार्य देखेंगे मुख्यमंत्री। प्रशासन ने बांध के पास तैयार किया है अस्थाई हेलीपैड। वहीं इसरदा डैम बनेटा टोंग साइट की भी विजिट किया जाएगा। तो बेहद खास दौरा है अपने आप में, क्योंकि जिस तरीके से ERCP को मंजूरी मिल गई है, MOU हो चुका है, और ऐसे में ये दौरा भी बेहद महत्वपूर्ण। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पहला हड़ौती दौरा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद आज पहली बार कोटा का दौरा करेंगे, इटावा के नोनेरा बांध देखेंगे, और उसमें निर्माण कार्य कितनी गति से चला है वो भी देखा जाएगा, क्योंकि पानी से जुड़ा हुआ ये पूरा मसला। ऐसे में इस बांध में कितनी प्रगति हुई है। प्रशासन ने बांध के पास अस्थायी हेलीपैड तैयार किया है इसी वजह से, और हो सकता है कि सिर्फ यही मुख्य कार्यक्रम हो, यहीं पर आ रहे हों, ज्यादा कोई मुलाकात का सिलसिला नहीं हो, लेकिन पहली बार कोटा दौरा है मुख्यमंत्री बनने के बाद, इसलिए लोगों में उत्साह बहुत ज्यादा होगा। जनता मिलना चाहती होगी मुख्यमंत्री से, तो वो भी आपको जानकारी देंगे। क्या जनसुनवाई या जनसंवाद का भी कोई कार्यक्रम है या नहीं, या स्वागत का कोई कार्यक्रम है या फिर नहीं, क्योंकि वहां के कार्यकर्ता भी बेहद उत्साहित नजर आ रहे होंगे। वहीं इसरदा डैम बनेटा टोंग साइट का भी विजिट किया जाएगा। तो इसरदा डैम बनेटा टोंग जो साइट है, जो कि आगे काम पकड़ेगा, कितनी गति इसमें होनी चाहिए, किस तरीके से विस्तार होना चाहिए, इस पर भी चर्चा की जाएगी। फिलहाल विजिट किया जाएगा, उसके बाद दिशा निर्देश तय होंगे। हो सकता है कि तमाम अधिकारी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हो। तो पहला हड़ौती दौरा है, इसलिए इस हड़ौती दौरे को बेहद खास माना जा रहा है। तो पूर्वी राजस्थान को पानी मिलेगा, लेकिन ऐसे में यह हड़ौती दौरा भी बेहद खास माना जा रहा है। तो प्रशासन ने बांध के पास ही अस्थायी हेलीपैड बना दिया है, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, सीधा वहां पर रुके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, और फिर बांध का रुख करें, वहां का काम देखें। भंवर एसटारन सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। भंवर, बेहद खास ही दौरा, क्योंकि मुखिया बनने के बाद पहली बार यह हड़ौती दौरा रहेगा। दूसरा ये कि जिस बांध को वो देखने जा रहे हैं वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। तीसरा ये आप बताइएगा कितने बजे पहुंचेंगे, और क्या जनसंवाद या कोई स्वागत का कार्यक्रम भी, क्योंकि पहली बार मुखिया वहां पहुंच रहे हैं, तो वहां के लोगों में और बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी बेहद उत्साह होगा। बिल्कुल पूनम, देखिए दौरा पहला है और उसको लेकर के उत्साह तो बहुत है, लेकिन बहुत ही संक्षिप्त ये पूरा मुख्यमंत्री का कोटा दौरे का कार्यक्रम बना है। मात्र आधे घंटे के लिए वो कोटा में रहेंगे, और कोटा में इटावा के पास नवनेरा एबेरा जो डैम है उसका वो निर्माण कार्य का जायजा लेंगे। करीब करीब उनका पूनम 2 बजे के आसपास जो अस्थायी हेलीपैड बांध के पास ही बना है वहां पर उतर 2:30 बजे निरीक्षण खत्म करने के बाद वापस कोटा से टोंक के लिए रवाना हो जाएंगे, और टोंक में जो ईसरदा बांध है उसका वो निरीक्षण करेंगे। तो कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज प्रदेश में बांधों के निरीक्षण पर निकलने वाले हैं, और ऐसा लगता है कि राजस्थान में भजनलाल सरकार गठन के बाद खासकर जो पेयजल है और जो सिंचाई का पानी है उसकी उपलब्धता पर ज्यादा जोर दे रही है। इसीलिए ERCP का जो प्रोजेक्ट है उसका MOU पहले MP सरकार के साथ किया गया। और पुनः मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि जो पूरा का पूरा ERCP प्रोजेक्ट है, जो कि एक तरह से जीवनदायी प्रोजेक्ट राजस्थान के लिए माना जा रहा है, 1 दर्जन से ज्यादा जिले जो हैं वो साफ तौर पर इससे जुड़े हुए हैं, उसका जो सबसे एक तरह से स्टार्टिंग पॉइंट है वो कोटा और ये नवनेरा बांध है, और ये बांध इसी साल बनकर के तैयार हो जाएगा, और इसके बाद इसमें ऐसा माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक इसको पानी से मानसूनी सीजन में भरना भी शुरू कर दिया जाएगा। तो कहीं न कहीं ERCP प्रोजेक्ट को लोकसभा चुनाव से पहले एक तरह से उसका जो आरंभ बिंदु है उसको पूरा करके सरकार जमीनी स्तर पे राजस्थान की नई सरकार जनता को कुछ करके दिखाना चाहती है, और इसीलिए कोटा के पहले दौरे के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहाँ बिल्कुल इंतजार रहेगा। आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, क्योंकि तस्वीरें दिखानी भी बेहद महत्वपूर्ण हो